मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आप तो जानती है ना कि मैं कितना परेशान हूं। मेरे पास और रास्ता ही क्या था। करण, क्या हुआ? तुम लोग बहुत देर से बहस कर रहे हो, कोई परेशानी है? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा भैया, माँ बुला रही है, मैं चलता हूँ। सुमन जी, ये ऐसी कोई बात नहीं, हमें पिंकी बुला रही है, हम चलते हैं। करण की गुत्थी तो उलझती जा रही है। शामली ने कहा था करण और उसके बीच में कुछ भी नहीं है, तो करण की परेशानी की वजह कहीं सुमन तो नहीं? लेकिन आप तो जानती है ना कि मैं कितना परेशान हूं। मेरे पास और रास्ता ही क्या था। हम तो बहाना करके चले आए, लेकिन कार्तिक जी के मन में जिस सवाल का जन्म हो चुका है वो तो अब बढ़ता ही जाएगा। लेकिन क्या जवाब देते हम उनको, कैसे बताते कि करण जी? नहीं, इस बात को टाला नहीं जा सकता। कार्तिक जी के मन का शक दो भाइयों में दूरी भी ला सकता है। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, हमें माँ को सच बताना होगा। अकेले क्यों बैठी हो? परेशान हो क्या? नहीं तो बुआ जी। लेकिन बहुत परेशान दिख रही हो, कुछ खोई खोई सी। कुछ खो गया है क्या तुम्हारा? नहीं तो बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें माँ से कुछ काम है। जाओ, तुम करो काम और मैं जाकर पढ़ूंगी तुम्हारी डायरी। Bye.
चलो ना। माँ। अरे सुमन बेटा, क्या बात है? हमें आपसे कुछ बात करनी है। बातें करने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है सुमन बेटा, लेकिन वक्त कहाँ है? लेकिन माँ ये बात बहुत जरूरी है कि करण जी के बारे में है। फिर से उसने कुछ नया ड्रामा शुरू कर दिया। रुक जा, पिंकी की शादी हो जाए फिर उसकी सही खबर लूंगी। वैसे सब कुछ मैं क्यों करूं? तुम भी तो कर सकती हो। उसकी होने वाली भाभी जो हो, कुछ देखकर ही तुझे पसंद किया अपने कार्तिक के लिए। मुझे पूरा विश्वास है तुम कार्तिक और इस घर को अच्छे से संभाल लोगी। विश्वास तोड़ोगी तो नहीं? मजाक कर रही थी। अच्छा सुन, बाहर वो लोग बैठे ना, उनको समोसे और बिस्किट दे देना। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया, जरूर कोई नया नाटक रचेगी अब। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? आप जानती है ना, मैं अपने कमरे में किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर सकती हूँ। विद्या, अरे जरा धीरे बोल। अगर किसी रिश्तेदार ने सुन लिया ना तो नया नाटक शुरू हो जाएगा। अच्छा होगा जो कोई सुन लेगा, तब तो वो अपने आप चले जाएंगे ना मेरे कमरे से। अरे हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अपने हैं ये लोग, अपना अपना काम धंधा छोड़कर हमारी खुशी में शामिल होने के लिए आए हैं। तू ये मत भूल, इन सब लोगों की अपनी बड़ी बड़ी कोठियां और हवेलियां हैं, और बात दो चार दिन सोने की है ना, और वैसे भी आज रात को तो शादी है, कोई सोने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी अम्मा। विद्या मुझसे कोई बहस मत कर, मैं इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। आप भी ना अम्मा। विद्या तू भी ना, चल अब नीचे। डायरी यहाँ पड़ी थी, आपने देखी क्या? हमने तो नहीं देखी विद्या। आपके ये बच्चों ने ही मेरी डायरी यहाँ वहाँ कर दी होगी। पूरा कमरा तहस नहस कर रखा है, ढूंढ के दीजिए ना। हाँ हाँ ढूंढते हैं। चलो 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 चलो।
सुमन जी, क्या हुआ? आप ऐसे घबराई हुई किसे ढूंढ रही? नहीं कुछ नहीं, वो कोई चीज ढूंढ रहे थे। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मैं कुछ मदद कर दूँ? नहीं, हम खुद ही। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी बात से बहुत परेशान हैं। शायद वो आप मुझे बताना नहीं चाहती। समझ में नहीं आ रहा मेरी क्या परेशानी है, कहीं आप दोनों की परेशानी की वजह। सुमन तो यहाँ क्या कर रही है? तैयार नहीं होना है क्या? बारात आने ही वाली है, चल जल्दी से तैयार हो जाते हैं। पिंकी तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। गुड्डी दीदी, पिंकी का दूल्हा तो बड़ा काला है। तुझे पगली। अच्छा चलो बातें मन करो और जयमाला की तैयारी करो।
अपवित्रो सर्वावस्था तो स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतर शुचि पुंडरीकाक्ष केशवाय नम माधवाय नम गोविंदाय नम नारायणाय नम। पर पूजन के लिए आ जाइए। गुस्सा मत होइए। देवेंद्र जी का इरादा आपका अपमान करना नहीं, वो इस शादी को लेकर बहुत उत्साहित है। भौजी श्री श्री सर्वभूतानां तामि होप है श्रीयं गंधम समर्पयामि। कंचन बिटिया, पिंकी को स्टेज पे बिठा। जीजा जी, पिंकी का हाथ नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा झुक जाइए ना। देख, अगर अभी झुका तो जिंदगी में झुकना पड़ेगा। जीजा जी, आखिर जितना ही पड़ा ना,